यूनिट ऑफ वोल्ट, देखो वोल्ट कहते हैं, लेकिन भी अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूँ, पी वी का मतलब यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी के लिए वर्क डन, वर्क डन आपका क्या होता है हमेशा जूल, जूल और बस ये आपका किसम होता कूलम, कूलम कूल, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं वॉट, वॉट कहते तभी तो मैंने कहा आपका देखो ये देख रहा हूं मैं कि आपने बिल्कुल सही जूल पर कूलम को ही कहते हैं, दैट्स गुड। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, देखो वन वोल्ट, वन वोल्ट, वन जूल, ये वन जूल और ओवर वन वोल्ट, सर वन जूल की एनर्जी तब प्रोड्यूस होगी जब वन जूल का वर्क लगेगा वन कूलम के चार्ज में। एग्जैक्टली, कितना पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज सेड टू बी आपका वन वोल्ट। इसको तब वन वोल्ट कहेंगे इफ इफ वन जूल ऑफ वर्क डन, एक जूल का आपने काम किया है इस वर्क डन आपके देखो वन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ या इन मूविंग वन कूलम, वन कूलम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एग्जैक्टली वन पॉइंट टू ना वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दोनों दो के बीच है ना, 1.2 अदर या 1.2 अनदर आपका ये, क्योंकि यहां से दो पॉइंट्स के बीच के आपका दो पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को आपका ना पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। क्लियर है सर? वोल्टमीटर जी, वोल्ट वोल्ट अभी बता रहा हूं सर, अभी कहां आप कहां आ जाते हो, आपके रूम जाइए अभी सब होगा, अभी आप चिंता मत करें। जो अब आप मुझे पूछ रहे हैं ये ना द पोटेंशियल डिफरेंस इस जो आप मेरे को कह रहे हो, देखो इस मेजर इसको मेजर करते हैं बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल, ये जो आप पूछ रहे थे सर दिस इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर, दिस इज द वोल्ट मीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड किसमें पैरेलल अक्रॉस, बिल्कुल सही पैरेलल अक्रॉस सर, रेजिस्टर इन पैरेलल ऑलवेज अक्रॉस द पॉइंट, इनके बीच का अगर आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स का आपका तो यहाँ पे आपका करिए पैरेलल किसी भी रेसिस्टर्स के पैरेलल आपका करिए पोटेंशियल इसकी आपके हमेशा हाई रेसिस्टेंस होती है, अब आपका कभी कभी कोई आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज वोल्टेज, आपने कहा ना कितनी वोल्टेज आ रही है ये कितनी वोल्टेज, तो वोल्टेज इज ये वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम आपका वोल्टेज होता है। अरे दो एंड्स का नहीं निकालना है ना सर, उसको पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम है। हाँ एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आप दो ये जो आपका रेसिस्टर लगा इसके दो एंडों का आप पोटेंशियल डिफरेंस आप पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज हो गया। अच्छा हाँ,
क्योंकि ऑल टाइम में कितना बढ़े थे सर, बहुत जबरदस्त है। आगे जाकर के तो बीएससी में हमारे पास इतनी मोटी किताब थी इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ तो आप खाली चपेटर पढ़ रहे हैं, और वहाँ बीएससी में चपेट पढ़ती है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं। यहाँ जो आप हर चैप्टर देख रहे हैं, वहाँ हर जाकर के आगे बुक बन जाती है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट की भी इतनी मोटी किताब थी हमारे पास। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इससे कुछ नहीं, द इलेक्ट्रिक करंट बिजली जो आपकी बह रही है आपका, देखो इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक, बिल्कुल आपने सही बोला। अभी देखो यही इलेक्ट्रिक चार्जेस आपका जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब तार जिससे जा रही है, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं आपका देखो कंडक्टर सच है जिसको आप क्या कहते हैं, इज इट क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ, करंट, करंट इज इक्वल आपका क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर ओवर टाइम टेकन। तो सिंपल सी बात आपका क्या होगा, रेट ऑफ रेट टाइम टेकन जहां भी हो गया रेट ऑफ चार्ज हो गया क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एग्जैक्टली बोलिए करंट आपका आई हो गया या आपका क्यू ओवर आपका टी हो गया। आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया ऐसे आपका ना, अगर स्विच ऑन होकर के इधर को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उधर को बिजली का हो जाएगा, अगर जैसे ये बिजली इधर को आ रही है आपने करंट ऑन किया, ये करंट इलेक्ट्रिक फ्लो उधर को हो, दोनों तभी तो चलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लो ही नहीं होगा करंट ही फ्लो नहीं होगा तो चलेगा। इसके बाद एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका कूलम क्यू का क्या होता है क्वांटिटी का कूलम, और कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकंड इसी को आप क्या कहते हैं, एम्पियर, एग्जैक्टली एएमपीईआर, दिस इज व्हाट कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज 1 कूलम ओवर 1 सेकंड। इसका मतलब व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू THROUGS ने लिखा मैंने थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, अभी मैं दिखाता हूं एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी तार को क्रॉस सेक्शन ही होता है, ये तार है ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन, सर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीच होता है, एग्जैक्टली ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड में आपका देखो द इलेक्ट्रिक करंट, देन द फ्लोइंग करंट इज ऑफ 1 एम्पीयर, exactly electric current flowing through THROUG, मैंने फिर through लिख दिया आपका नाम बोलो, it is said to be 1 ampere, ये हो गया। अब इसके बाद आपका नाम बोलो इसमें छोटी छोटी भी छोटी small unit 1 milli एम्पियर, स्मॉल एम और एक कैपिटल इज इक्वल 1/1000 एम्पियर होता है, इसीलिए 1/3 आपका ये आपका 1/10^3 एम्पियर, ये जब आप 1/(x^n) सेकंड लॉ आपका ना सेकंड ये 1/(x^n) 1 मिली एम्पियर इज इक्वल 10^-3 मिली माइक्रो, -6 नैनो, 10^-9 पीको, 10^-12 होता है, एग्जैक्टली। अब देखिए इसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्या था, सीरीज में लगता है, पैरेलल लगता है, यहाँ सीरीज में लगेगा, यानी कि कहने का मतलब ये आपका कोई रेसिस्टर है, ये रेसिस्टेंस है या रेसिस्टर है आपका, ना देखो एमीटर, इसके ये यहाँ
आपका जो है ये आपका एमिटर लगेगा एसी सीरीज। इज इट क्लियर? ये ए एम एम ई टी आर ये एमिटर लगेगा। तो करंट के लिए आपका देखो ना, करंट इज सबसे पहले आपका ना करंट इज मेजर्ड बाय एमिटर, एन इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे आप, एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज ए कॉर्ड, जो भी लिखे आप कॉर्ड एमिटर। It is इधर से, it is always connected in series। ये जैसे यहां पे ये लगा लो, ए कर दिया मैंने, ये रेजिस्टर जो लगा उसी के साथ आपका सीरीज, सीरीज का मतलब एक ही लाइन में आपका हो गया, पैरेलल यहां था, जैसे आपका ये था वोल्ट मीटर, आपने क्या किया यहां रेजिस्टर था, यहां कनेक्टर, यहां ऊपर आपने यहां लगा था, दिस ये आपका पैरेलल हो गया, इसके बाद एक लाइन में हाँ, एक लाइन में नहीं, एक लाइन में होंगे तो दैट इज कॉल्ड द सीरीज। और ये आपका क्या, इट इज हाँ, इट इज यूज्ड फॉर लो रेसिस्टेंस, इसको लो रेसिस्टेंस के लिए इसका यूज किया। ठीक है सर, क्लियर? इसके बाद क्या कर्नाटक साहब है क्या आपके पीछे वाले जी, इधर ध्यान दीजिए सर, नटवाल साहब सॉरी, बिल्कुल यहाँ ध्यान दो, खाली ऐसे नहीं कि बारात में आए हैं, खाना खाया, हाथ पोंछे और चल दिए, कुछ पर इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा, आपने थोड़ा भी कभी मैंने कहा घर जाकर के जरा इसको और चैनल में भी देखेगा, आपको पता लग जाएगा कि कितनी मेहनत होती है, इसीलिए तो यहाँ ध्यान दोगे तभी। अब इसका मतलब हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूस फ्लो, आपने सिंपल सकते एक सेल आप देते हैं, एक सेल आपने इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखा होगा 1.5 लिखा होता है, सेल ये सेल सिंपल एक सेल आपने लिया, इसका ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव आपका पोल हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इधर से एक तार ये लगाई, इधर से इसके और यहाँ बीच में इसको एक छोटे बल्ब के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए, जो आपका थोड़ी देर आप देखेंगे ये जो बल्ब है ये आपका लाइट अप हो जाएगा, इसका मतलब लाइट सब तभी होगा जब उसमें आपका ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, जैसे एक तार भी हटा देंगे पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से, एक भी हटा देंगे दोनों में से तो आपका फ्लो ही नहीं होगा, इसका मतलब दोनों को आप जब दोनों टर्मिनल्स को आप जोड़ेंगे तभी आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लो, अदरवाइज करंट आपका क्या हो गया ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब द इजीएस्ट वे या सिंपलेस्ट वे भी आप कह सकते हैं आपका देखो टू मेंटेन a potential difference between the two ends, ये देखिए आपका नाम सर मतलब वर्क डन दो एंड के बीच जी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब यहाँ पे तार है जो आपके इलेक्ट्रिक फ्लो को ले जा रहा है, सो एज टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो, तभी आप इसको कंटिन्यूअस फ्लो को प्राप्त कर सकते हैं ऑफ ए करंट कनेक्टेड द कंडक्टर बिटवीन बिटवीन द टू टर्मिनल्स, और जब टर्मिनल्स की बात करेंगे ऑफ सेल्स होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपका होता है, दैट इज फॉर द बैटरी, आपके सामने ये बैटरी लगी हुई है आपका जो आप लगाते हैं इसमें इन्वर्टर, इन्वर्टर में आपका पॉजिटिव नेगेटिव आपका टर्मिनल, हाँ नहीं ये यहाँ कह रहा हूँ वो तो बैटरी का वो है बॉक्स है, कॉरोगेटेड बॉक्स है, इज इट क्लियर साहब? इसमें एक स्पेशल नोट मार दीजिए ना, स्पेशल नोट में आपका ना कि द टॉर्च बल्ब, ये जो मैंने यहाँ पे लिया है घर में जाके आप इसको आराम से, बल्कि मैंने रखा भी था पॉजिटिव जब मेरी बेटी पढ़ती थी
पॉजिटिव निगेटिव वगैरह कैथोड वगैरह ये सब उसके प्रैक्टिकल्स को बनाने के लिए आप बनाते हैं सर, क्योंकि जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया। और वैसे आप लोग जो है जब स्कूल वाले कहते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं, सौरभ होटल के पीछे, विद्यार्थी बंधु, विद्यार्थी बंधु को 250 रुपये दिए, प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। जी हाँ, टॉर्च बल्ब इज यूज इन सर्किट, ये जो आपका सर्किट दिखा रहा हूँ मैं आपका, देखो ना दिस इज द, ये आपका ना एक कंटिन्यूस फ्लो आपको दिखा रहा है, इज इट क्लियर। अब इसके बाद अब बता दिया मैंने, अब आप प्रोजेक्ट बनाने वही चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बॉम्बे हॉस्पिटल के बिल्कुल, बॉम्बे हॉस्पिटल सौरभ होटल के पीछे, वहां से सीधा जाएंगे, दाएं हाथ में आपका BSNL का ऑफिस, उससे अंदर जाएंगे 100 मीटर, फिर लेफ्ट में जाएंगे छोटी सी दुकान, नीचे बेसमेंट, बेसमेंट क्या एक सीढ़ी नीचे जाते हैं आपका। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द जी द कन्वेंशनल डायरेक्शन, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये यहां से आप ऑफिशियल, यहां आपका आप बैटरी भी लिख सकते हैं, इसमें ब्रैकेट में आपका बैटरी भी लिख सकते हैं, टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका जो इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंसली आपका फ्लो हो रहा है आपका ना थ्रू द आउटर सर्किट, ये पूरा आउटर सर्किट बना है, इस आउटर सर्किट में एक सेल चाहिए, तार चाहिए, बल्ब चाहिए, तब जाकर के ये आपका सर्किट बना है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका ना फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और अपोज करता है आपका ना वो कन्वेंशनल डायरेक्शन, आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसके बाद आप थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा।